हरियाणा के हिसार में भारतीय जनता पार्टी के काजला मंडल अध्यक्ष व पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के काजला मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा व पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट के विवाद में अब एक अन्य कार्यकर्ता अमित बिस्ला ने मीडिया के समक्ष आकर आरोप लगाया है कि 17 सितंबर को सोनाली फोगाट व उनके पीए सुधीर ने उनके साथ मारपीट की थी, साथ ही माफीनामा का वीडियो बनवाने के लिए उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। इस संबंध में उन्होंने आज जिला पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा को शिकायत दी है और उन्हें उम्मीद है कि पुलिस उनके साथ न्याय करेगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा के अनुसार अभी तो और कई लोग सामने आएंगे, इस मामले में कई और खुलासे बाकी हैं। शर्मा के अनुसार यदि इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गांव की पंचायत और समाज के संगठन मिलकर भविष्य में जो फैसला लेंगे वही किया जाएगा। इस मामले में सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला के आरोप भी गंभीर हैं। महिला नेत्री सोनाली फोगाट अब तक इस संबंध में खुलकर मीडिया या समाज के सामने नहीं आई है। मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले के कारण कहीं ना कहीं भाजपा की छवि को नुकसान जरूर हो रहा है। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। 17 तारीख को मेरी कोई ऑडियो थी, उससे सोनाली फोगाट नाराज थी किसी से बात करते हुए, तो उसके लिए मेरे को माफीनामे के लिए इन्होंने बुलाया था जी। तो मैं वहाँ सोनाली फोगाट के पास पहुँच के बैठा, तो सोनाली सुधीर सांगवान उनके पी है, उन्होंने मेरे पीछे से थप्पड़ पे वार किया और फिर डंडा उठाया आगे से सोनाली फोगाट, और ये दोनों फिर मेरे मारपीट करने लगे। एक दो बंदे और भी थे साथ वहाँ मारपीट करने वाले, उनको मैं अभी पहचान नहीं पाया। और ऐसे करते करते हम उनके बाद बैठे रहे, फिर उन्होंने बंदूक ताड़ी दी मेरे पास और उन्होंने कहा कि एक वीडियो तो बना जिससे ये शेयर हो कि मतलब उस तूने ऑडियो की है उसकी माफीनामा हो। मैं बोला जी मैं ये नहीं करूँगा, तो उन्होंने मेरे यहाँ बंदूक लगा के और एक वीडियो बनवाई। उसके बाद सुभाष जी को बुला लिया था जी, फिर सुभाष के साथ भी मारपीट किया उन्होंने। एसपी साहब ने तो जी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और हमें उम्मीद है कि एसपी साहब हमें न्याय दिलवाएंगे इस चीज़ में। देखिए खुल के तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है, जैसे कि आज अमित बिस्ला जी इसमें खुल कर आए हैं, उन्होंने अपनी शिकायत एसपी महोदय को सौंपी है और एसपी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि तुरंत ही इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपी के खिलाफ जल्द ही कड़ा कदम उठाया जाएगा। जैसे अमित बिस्ला जी भी जैसे मैं डरा हुआ था ऐसे काफ़ी डरे हुए थे, उनके परिवार को भी धमकाया गया है, बार बार उनके पास फ़ोन किया गया है, धमकियों भरे मैसेज उनके व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे बार बार धमकियां आ रही हैं। उनके पास ऑडियो भी है रिकॉर्डिंग, जिसमें ये कहा जा रहा है बार बार विश्वास के खिलाफ आपने ये बयान देना है, ये बातें ऐसे करनी है। तो सारी रिकॉर्डिंग है, जो भी उनके पास तथ्य हैं वो सारे एसपी साहब ने मांगे हैं, जल्द ही हम उनको इन चीज़ों से अवगत कराएंगे, उनको सौंपे जाएंगे ये सबूत, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। यदि इनके खिलाफ प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाता है तो उसके आगे हमारे पूरा गांव चिकनवा से पूरा गांव मेरे साथ है और पंचायत गांव में हुई थी, जिनमें पंचायत का फैसला है कि यदि 4 तारीख तक का उनको टाइम दिया गया है, यदि 4 तारीख तक सोनाली फोगाट अपना पक्ष रखने में कामयाब नहीं हो पाती हैं तो 5 तारीख को जो भी कदम में गांव पंचायत की तरफ से, ब्राह्मण सभा की तरफ से, आसी ब्राह्मण सभा, बरवाड़ा ब्राह्मण सभा, झज्जर ब्राह्मण सभा, आदमपुर ब्राह्मण सभा, ये सभी जो है मिलकर जो उचित फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन जो भी कदम उठाना होगा उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.